मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल टेलिया और एरिक को दिखाया जाता है जो साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके बाद टेलिया ड्रिंक लेने चली जाती है, तभी वहाँ उसे किसी और का भी होने का एहसास होता है। टेलिया घबराकर वहाँ चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर एरिक शावर ले रहा होता है और टेलिया भी अपना ड्रिंक बनाकर ऊपर ले आती है। एरिक जब नहा के रूम में आता है तो पहले वो टेलिया के द्वारा रखी गई ड्रिंक पीने लगता है और जब दरवाजे के शीशे पर देखता है तो उसमें खून से लिखा था यू आर नेक्स्ट और साथ में ही उसे वहाँ टेलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। अब यहाँ एरिक एकदम से घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी वहाँ कोई आकर उसे भी बड़े चाकू से मार देता है। इसके बाद हमें 4 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ उसी घर के पड़ोस में एक कपल रहने आता है जिसमें लेडी का नाम ओबरी और उसके पति का नाम पॉल होता है। इन दोनों ने यहाँ अपनी फैमिली गेट टुगेदर का प्लान बनाया था और ये दोनों इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थे, इसलिए घर में सबसे पहले आते ही ओबरी सफाई में लग जाती है। ओबरी जब वहाँ सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ किसी की आवाज आती है और ये बात वो पॉल को भी बताती है लेकिन पॉल उसको उसका वहम बताकर उस बात को टाल देता है। अगले दिन वहाँ उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो कुल मिलाकर 10 लोग थे। इस फैमिली के मेंबर अपने काम की वजह से एक दूसरे से अलग रहते थे इसलिए इनका लगाव भी एक दूसरे से बहुत कम हो गया था, इसलिए इन सब में बहस होना एक आम बात थी। अब रात को ये सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तभी उनमें से एक फैमिली मेंबर जिसका नाम टेरिक था उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उठकर दरवाजे के पास चेक करने जाता है। उसको दरवाजे के बाहर कुछ दिखता है लेकिन तभी अचानक बाहर से कोई एरो शूट कर देता है जो टेरिक के सर के आर पार हो जाता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक एरो ओबरी की तरफ भी शूट होता है लेकिन ओबरी को बचाते हुए वो एरो ड्रेक की पीठ पर लग जाता है। ये लोग पुलिस को भी फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन बदकिस्मती से इनके फोन के नेटवर्क भी गायब थे। यहाँ इन सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है लेकिन तभी इनकी फैमिली की एक और मेंबर जिसका नाम एमी था वो तय करती है कि वो बाहर जाएगी और पुलिस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसकी बात सभी घर वाले मान लेते हैं क्योंकि उन सबको अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था। अब एमी घर से बाहर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। वो घर के दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगती है ताकि कोई भी एरो उस पर ना लग सके लेकिन जल्दबाजी के कारण वो घर के मेन डोर में लगी तार को नहीं देख पाती जिससे कि उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी बहन मारी जा चुकी थी। अब एरिन यहाँ पे सभी विंडोज और दरवाजे को ढंग से देखती है कि वो बंद है या नहीं। वहीं पॉल ओबरी को ऊपर वाले रूम में लेके चला जाता है और उसे बेड पे लेटाकर वो नीचे आ जाता है। अब किलर उस रूम में पहले से ही मौजूद था। किलर जहाँ पे ओबरी सो रही थी उस बेड के नीचे से निकलता है। उसने फॉक्स वाला मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वो ओबरी पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब सभी उसकी आवाज सुनकर ओबरी के रूम में आ जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो ओबरी की मौत हो चुकी थी और वहाँ खून से दीवार पर लिखा होता है यू आर नेक्स्ट। दूसरी तरफ एरिन विंडो बंद कर रही होती है लेकिन तभी अचानक किलर उसका गला पकड़ लेता है। तभी एरिन चाकू से उस किलर को स्टैब कर देती है। एरिन एक और बार उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। ऊपर पॉल बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया था। क्रिस्पियन उसे किसी तरह संभालने की कोशिश करता है क्योंकि पॉल बुरी तरह से टूट चुका था। वहीं कैली जब रूम में अकेले ओबरी की डेड बॉडी को कवर कर रही थी तो उसे बेड के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और जब वो बेड के नीचे देखने लगती है तो उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो डरकर घर से बाहर भागने लगती है। उसको रोकने के लिए अब ड्रेक भी उसके पीछे भागने लगता है लेकिन ड्रेक की पीठ पर जो एरो लगा था वो वहाँ लगी वायर से बाहर निकल जाता है जिससे ड्रेक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं कैली भागती भागती अपने पड़ोसी एरिक के घर पहुँच जाती है। वो बाहर से मदद के लिए चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी बाहर नहीं आता क्योंकि एरिक और उसकी वाइफ की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। तभी अचानक पीछे से किलर आकर कैली को भी मार देता है। दूसरी तरफ क्रिस्पियन सबको बोलता है कि वो बाहर जाएगा और किसी से मदद लेके आएगा क्योंकि उसने अभी किसी को भी बाहर नहीं देखा है। सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर किलर हो सकता है लेकिन वो उनमें से किसी की नहीं सुनता और बाहर मदद लेने के लिए चला जाता है। क्रिस्पियन के जाते ही एरिन सबसे पहले ड्रेक को एक सुरक्षित जगह पर लेटाती है और वो अपने फैमिली मेंबर में से किसी से इस घर में छुपने के लिए सबसे सेफ जगह के बारे में पूछने लगती है। वो ये भी बताती है कि उनमें से कोई एक किलर शायद इसी घर में है जिसने ओबरी की जान ली। एरिन अब उठकर किचन की तरफ जाने लगती है और वहाँ से ऐसा सामान कलेक्ट करती है जो उनकी सेफ्टी के काम आए लेकिन तभी वहाँ टाइगर मास्क पहना हुआ किलर आ जाता है और एरिन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन एरिन बड़ी ही चालाकी से उस पर हमला कर देती है और एक हैमर लेकर उसके सर पर मारने लगती है और वो तब तक मारती रहती है जब तक वो मर न जाए। दूसरी तरफ पॉल ऊपर के रूम चेक कर रहा होता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि किलर कई दिनों से बेडरूम में छिपा हुआ था। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। एरिन बेसमेंट में लाइट चेक करने चली जाती है और फिलिक्स भी अपने डैड पॉल को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट भी आ जाती है और पॉल को बाहर फिलिक्स और जी भी मिल जाते हैं। पॉल उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो किसी की सोची समझी हुई चाल है। जब पॉल ये सब उन दोनों को बता ही रहा होता है तो एक फॉक्स मास्क पहने हुआ किलर वहाँ आ जाता है और फिलिक्स और जी के सामने ही पॉल को मार देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन किलर्स को फिलिक्स और जी ने ही हायर किया था क्योंकि ये सभी फैमिली मेंबर्स को मरवाना चाहता था ताकि पॉल की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। दूसरी ओर शीप मास्क पहना हुआ एक और किलर घर के अंदर एंटर हो जाता है और वो वहाँ अपने साथी की डेड बॉडी देखकर पागल हो जाता है और घर के पूरे सामान को तहस नहस करने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर एरिन बेसमेंट के दरवाजे तक आ जाती है। एरिन
उसका मुकाबला करने के लिए बेसमेंट में ही एक शार्प ऑब्जेक्ट उठा लेती है, जिसकी आवाज से उस मास्क किलर को पता चल जाता है कि एरिन कहाँ पे है। अब वो किलर दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रेक आ जाता है। किलर ड्रेक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एरिन उस पर हमला कर देती है, मगर वो किलर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी फिलिक्स और जी भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ कुछ अपनी सेफ्टी के लिए ढूंढने लगते हैं। जी और एरिन ऊपर चले जाते हैं और किलो की मदद से कुछ बनाने लगते हैं। नीचे ड्रेक फिलिक्स से क्रिस्पियन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि क्रिस्पियन कैली के पीछे गया है, पर ड्रेक बोलता है कि वो कैली और क्रिस्पियन को ढूंढने जाएगा। फिलिक्स उसे बताता है कि कैली मर चुकी है। ये सुनकर ड्रेक उस पर चिल्लाने लगता है, तो फिलिक्स उसके पेट में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और बार बार उसके पेट में स्टैब करके उसे मार देता है। एरिन भी पॉल को चेक करने के लिए ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके एरिन को पॉल की डेड बॉडी मिलती है। तभी एरिन के पीछे फॉक्स का मास्क पहने हुए एक किलर भी आ जाता है। एरिन जल्दी से चालाकी दिखाते हुए खिड़की से कूद जाती है। अब किलर जब एरिन को ढूंढ रहा होता है तो दरवाजे के पास रखे किलो में उसका पैर चला जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एरिन ये सब छुपकर देख रही होती है। वहीं फिलिक्स भी आवाज सुनकर नीचे आ जाता है, तो किलर उसका गला दबा देता है क्योंकि उस किलर का भी एक भाई मारा गया था, लेकिन फिलिक्स को ये बात पता नहीं थी। वो किलर उससे बोलता है कि बताओ अब मैं क्या करूं, तो फिलिक्स उसे बोलता है कि वो उसे और ज्यादा पैसे देगा क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट ये सब प्लान उसी का था, उनको हायर करके अपने फैमिली मेंबर्स को मरवाना ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। यहाँ तक कि वो अपने भाई बहनों के साथ भी वो प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहता था। वहीं पर्दे के पीछे से एरिन ये सब बातें सुन रही थी। फिर उसके फोन में भी मैसेज आ जाता है कि उसका इमरजेंसी मैसेज पुलिस तक पहुंच गया है, जिसकी आवाज किलर भी सुन लेता है। अब जैसे ही किलर कर्टन के पास पहुंचता है तो एरिन उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और विंडो से दूसरे रूम में चली जाती है। किलर भी उसकी आवाज से उसके पीछे पीछे आ जाता है। किलर जब विंडो के पास जाता है तो एरिन उसके सर पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है और उस किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब एरिन मेन डोर पर जाकर एक ट्रैप बिछा देती है कि अगर कोई दरवाजा खोले तो उसका वहीं पे काम तमाम हो जाए। बाहर फिलिक्स और किलर एरिन को ढूंढ रहे होते हैं। किलर फिलिक्स को रोड पर चेक करने के लिए बोलता है। अंदर एरिन बेसमेंट में जाके वहाँ की सारी लाइटें तोड़ देती है और वहाँ के कैमरे की सेटिंग चेंज कर देती है ताकि बार बार पिक्चर क्लिक होती रहे। तभी वहाँ किलर भी आ जाता है। वो बार बार उसके चेहरे पर फ्लैश लाइट पड़ने से कंफ्यूज हो जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर एरिन उस पर हमला कर देती है और उसे वही मार देती है। यानी कि अब कोई भी किलर नहीं बचा था, अब सिर्फ फिलिक्स और जी ही बचे थे। एरिन जब बेसमेंट से बाहर आती है तो उसका सामना फिलिक्स और जी से होता है। एरिन और जी में भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एरिन फिलिक्स और जी के साथ लड़के काफी घायल भी हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और उनका डटकर मुकाबला करती है। वो पास में ही रखा ग्राइंडर फिलिक्स के सर पर मार देती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। लेकिन एरिन ग्राइंडर को ऑन करके फिलिक्स का वही काम तमाम कर देती है। इसके बाद एरिन खुद की पीठ पर लगा चाकू निकालकर उसे जी के सर पर घुसा देती है, जिससे जी की भी वही मौत हो जाती है। तभी फिलिक्स का फोन भी बजता है। एरिन जब फोन उठाती है तो सामने वाले शख्स की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि फोन पर और कोई नहीं बल्कि क्रिस्पियन था। क्रिस्पियन को लग रहा था कि फोन फिलिक्स ने उठाया है, इसलिए वो उसे बताता है कि बाहर सब क्लियर है और अब वो अंदर आ रहा है। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर आ जाता है। क्रिस्पियन एरिन के पास फिलिक्स का फोन देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ वो एरिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन सब के पीछे क्रिस्पियन का ही हाथ है और ये सब इसी का किया धरा है। क्रिस उसे पैसों का लालच भी देता है, लेकिन तभी एरिन उस पर चाकू से हमला करके उसको मार देती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला भी पहुँच जाता है। वहाँ का सिनेरियो देखकर उसे लगता है कि एरिन ही कातिल है, इसलिए वो उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से एरिन घायल हो जाती है। वही पुलिस वाला कार में जाकर बैकअप बुलाता है और मेन डोर से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। एरिन उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वहाँ उसने किलर के लिए ट्रैप लगाया हुआ था, लेकिन पुलिस वाला अंदर आ जाता है और ट्रैप की वजह से मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।